झड़ते बालों की समस्या से आजकल अधिकतर लोग परेशान हैं। गलत खानपान, खराब जीवन शैली, शरीर में पोषक तत्वों की कमी, प्रदूषण और तनाव के कारण हेयर फॉल की समस्या हो सकती है। अगर लगातार कुछ समय तक बाल झड़ते रहें, तो इससे गंजेपन की शिकायत भी हो सकती है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए लोग तरह तरह के शैम्पू और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें हानिकारक केमिकल्स मौजूद होते हैं जो आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे में आप सिर्फ एक प्राकृतिक चीज की मदद से हेयर फॉल और बालों से जुड़ी अन्य समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। जी हाँ, हम एलोवेरा की बात कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि बालों के लिए एलोवेरा कितना फायदेमंद होता है? इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प में डैंड्रफ, डेड स्किन और हानिकारक बैक्टीरिया को साफ करते हैं। एलोवेरा बालों के रोम को पोषण प्रदान करता है जिससे बाल मजबूत बनते हैं और हेयर फॉल कंट्रोल होता है। अब सवाल यह उठता है कि एलोवेरा से बालों का झड़ना कैसे रोकें? इस लेख में हम आपको हेयर फॉल रोकने के एलोवेरा के प्रयोग के 3 तरीके बता रहे हैं। एलोवेरा और नारियल का तेल। बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप एलोवेरा और नारियल तेल को एक साथ मिक्स करके लगा सकते हैं। नारियल तेल में विटामिन ई होता है जो बालों को पोषण और नमी प्रदान है। एलोवेरा और नारियल तेल में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं। इससे बालों को झड़ना कम होगा और बालों लंबे घने बनेंगे। इसके लिए एक कटोरी में 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें। इसमें 3 बड़े चम्मच नारियल तेल मिलाएं। इन दोनों चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं। 1 से 2 घंटे बाद बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लें। आप इसका इस्तेमाल हफ्ते में 1 से 2 बार कर सकते हैं। एलोवेरा और प्याज का रस। प्याज के रस में सल्फर मौजूद होता है जो कोलेजन का उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है। एलोवेरा और प्याज का रस बालों में लगाने से हेयर फॉल कंट्रोल होगा और बालों के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा, साथ ही डैंड्रफ की समस्या भी दूर होगी। इसके लिए 2 चम्मच एलोवेरा जेल लें। इसमें 2 चम्मच प्याज का रस मिलाएं। इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं और 5 मिनट तक सर्कुलर मोशन में मसाज करें। लगभग 1 घंटे के बाद बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लें। हफ्ते में 1 से 2 बार इसका इस्तेमाल करने से आपको कुछ ही दिनों में फर्क नजर आने लगेगा। एलोवेरा और मेथी। आप एलोवेरा में मेथी दाना का पाउडर मिलाकर बालों में अप्लाई कर सकते हैं। मेथी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो बालों की समस्याओं को दूर करते हैं। एलोवेरा और मेथी का मिश्रण हेयर फॉल को कंट्रोल करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। इसके लिए आप 2 चम्मच एलोवेरा लें। इसमें 2 चम्मच मेथी पाउडर यानी पिसा हुआ मेथी दाना मिला लें। इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें। फिर इस मिश्रण को अपने स्कैल्प और बालों पर लगाएं। 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से स्कैल्प की मसाज करें। 1 घंटे बाद बालों को शैम्पू से धो लें। इसके नियमित इस्तेमाल से आपके बाल लंबे और घने होंगे। बालों को झड़ने से रोकने के लिए आप इन तरीकों से एलोवेरा का प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आपको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए।